नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सर्वोदय दर्पण न्यूज़। आइए आज की खास खबर पर नज़र डालते हैं। अयोध्या शहर के गांधी पार्क में संपन्न हुए आम आदमी पार्टी का तिरंगा यात्रा। गांधी पार्क में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की छोटी सी जनसभा, कार्यकर्ताओं को दिलाया संकल्प, जो जनता को सम्मान से नहीं देखेगा उसे जेल भिजवा कर छोड़ेंगे। करेंगे ऐसी राजनीति आज के मुकाबले में किसानों को दुगना लाभ मिलेगा। भगवान राम के दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे। भगवान राम की प्रेरणा लेकर राजनीति करेंगे। अरविंद केजरीवाल के दिखाए गए रास्ते पर राजनीति करेंगे। इस तिरंगे को की शान बनाकर रहेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा बयान, हमने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया है कि हम भगवान राम के आदर्शों पर चलकर राजनीति करेंगे। उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर बच्चे के लिए शिक्षा, बहनों को सुरक्षा, किसानों को फसल का दुगना दाम, नौजवानों के लिए रोजगार, इस सब का ईमानदारी से इंतजाम करने के लिए उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। और तिरंगे की आन बान शान और ऊपर उठाए गए मनीष सिसोदिया। अयोध्या से अमित कुमार की रिपोर्ट।
आई।